हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो मनाली की वादियों में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग के लिए हम एक यूनिक डेस्टिनेशन की तलाश कर रहे थे। हमने डिसाइड किया था कि हम मजाज गांव या फिर सजला वाटरफॉल या जाना गांव, जहां पर जाना वाटरफॉल भी है, या रुमसू गांव, इनमें से किसी एक डेस्टिनेशन पर जाएंगे। लेकिन इन सभी डेस्टिनेशन पर ऑलरेडी बहुत सारे व्लॉग्स है यूट्यूब पर। तो हट फिकर, सीके ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे रॉरिक आर्ट गैलरी देखने। हेलो गाइस, नमस्ते जी। तो जैसा कि नीलम ने आपको बताया कि आज हम विजिट करने वाले हैं निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी। तो निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी एक हेरिटेज साइट है जो प्यास रिवर के लेफ्ट बैंक पर मनाली से लगभग 22 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। और नगर आप सभी जानते हैं कि एक ऐतिहासिक टाउन है और प्राचीन कुल्लू रियासत की लगभग 1400 वर्षों तक राजधानी रही है, जिसकी स्थापना कुल्लू रियासत के राजा विशुद्धपाल ने की थी। उसके बाद 1400 वर्षों तक कुल्लू रियासत की राजधानी रहने के बाद राजा जगत सिंह ने इसे सुल्तानपुर कुल्लू शिफ्ट किया था। तो गाइज, मनाली से हाफ एन आवर ड्राइव करने के बाद आप डायरेक्टली पहुंच जाते हो नगर कासल। और नगर कासल से हार्डली 500 मीटर्स आगे है लोकेटेड निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी। गाड़ी को साइड लगाने के बाद अब हम लोग चल पड़े हैं रॉरिक आर्ट गैलरी की ओर। और आज हमारे साथ है मेरी बड़ी बहन सलोचना दी, बड़ी भांजी राभ्या और छोटी भांजी लियाना। और गाइज, रॉरिक आर्ट गैलरी से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे है शरण गांव, जिसे क्राफ्ट हैंडलूम विलेज के नाम से जाना जाता है। और यहां से ही 2 किलोमीटर दूर आगे है रुमसू गांव, जो अपनी प्राचीन कुल्लूवी संस्कृति को संजोए रखने के लिए जाना जाता है। रॉरिक आर्ट गैलरी से ऊपर की तरफ हिमालयन फोक ट्राइबल म्यूजियम भी है, जिसे उरुस्वती के नाम से जाना जाता है। आप इसे भी विजिट कर सकते हैं। और ये देखिए गाइज, हम रॉरिक आर्ट गैलरी कॉम्प्लेक्स में एंटर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमें फ्रंट टिकट काउंटर से बाय करनी होगी टिकट्स, और टिकट का प्राइस रहेगा 50 रुपीज पर पर्सन। तो गाइज, जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपको दिखेंगे दो ब्यूटीफुल स्टैचूज, निकोलस रॉरिक जी का और साथ में उनकी वाइफ हेलेना रॉरिक का। और ये सामने है रॉरिक आर्ट गैलरी, जिसमें 2 फ्लोर हैं। ऊपर वाले फ्लोर को रॉरिक मेमोरियल कहा जाता है, देन हाउस ऑफ निकोलस रॉरिक। और ग्राउंड फ्लोर, जिसे अब रॉरिक आर्ट म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां पर रॉरिक के द्वारा बनाए गए कुछ ओरिजिनल आर्ट पीसीज को रखा गया है। और गाइज, इन मास्टर पीसीज को देखने के लिए आपको जूते उतार कर जाना होगा रॉरिक आर्ट गैलरी में। तो गाइज, ये है निकोलस रॉरिक आर्ट गैलरी, बट अंदर का व्यू हम आपको नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड इनसाइड। निकोलस रॉरिक का जन्म 1874 में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ था, और उसके बाद 1920 से 1947 तक वो नगर में ही रहे। हिमाचल में उन्होंने स्पीति वैली, पिन वैली, मोनास्ट्रीज, डिफरेंट लैंडस्केप्स, जया, गदी गर्ल, लाइफ ऑफ लोकल पीपल, लाइफ इन हिमालयाज, इन सभी पे उन्होंने फोकस किया। और ये सभी मास्टर पीसेज आप रॉरिक आर्ट गैलरी में देख सकते हैं। और ये देखिए पूजा स्थल, यहाँ पर एंशियंट स्टोन आइडल्स रखे गए हैं। और गाइस, इसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे जो आपको एक और सुंदर चीज देखने को मिलती है, वो है निकोलस रॉरिक की 1930 मॉडल डॉज 4-डोर सेडान कार। सी द रजिस्ट्रेशन नंबर PBN 133। सो ब्यूटीफुल, इसे बहुत ही केयरफुली प्रिजर्व करके रखा गया है। और गाइस, लगता ही नहीं है कि 1930 की कार आप देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है बिल्कुल नई कार देख रहे हो आप। तो चलिए गाइज, इसके बाद आपको ले चलते हैं स्वित्सलव रॉरिक एंड देविका रानी मेमोरियल के पास। स्वित्सलव रॉरिक निकोलस रॉरिक के बेटे थे और देविका रानी उनकी वाइफ। अपने फादर की तरह स्वित्सलव रॉरिक भी एक पेंटर थे। देविका रानी जी के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, शी वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, एंड उन्हें 1958 में दिया गया था पद्मश्री। और उसके बाद 1969 में शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड। हमारे स्वित्सलव रॉरिक। तो फ्रेंड्स, मिलिए देखिए, ये हमारे स्वित्सलव रॉरिक एंड उनकी वाइफ देविका रानी जी, सो स्वीट कपल। यहाँ वीडियोग्राफी कर सकते हैं, ये इनके वाइफ थे ना,
दीपिका रानी जी स्विट्जरलैंड की वाइफ। हाँ जी हाँ जी। अच्छा कोई बात नहीं, अब हम निकोलस रॉरिक के घर देखने जाएंगे उनका। ठीक है, घर भी उनका बड़ा सुंदर होगा, है ना। गाड़ी देखी कितनी सुंदर थी, है ना। आया बोलो, उनके घर देखने जा रहे हैं यहाँ ऊपर, तो देखते हैं कैसा कैसा होगा उनका घर। I'm too excited to see। एक्साइटेड तो पहले आपको जो वहाँ पे इनर का वो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफी मना थी, तो आप अगर देख रहे हो तो आप खुद आ जाना देखने। पर बहुत सुंदर है ना। हाँ, वहाँ पे उनका डाइनिंग टेबल सब कुछ टोटली कार तो आपको दिखा दिया ना। नाउ लेट्स गो अपस्टेयर्स। आप देख सकते हो ऊपर पहले ही, शायद से इनर ना दिखा रहा हूँ आपको। चलिए गाइस, अब आपको ले चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर जिसे कहा जाता है रॉरिक्स मेमोरियल हाउस। गाइस, अपर फ्लोर पूरी तरह से विजिटर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है, सभी डोर्स लॉक्ड हैं। आप एडजॉइनिंग बालकनीज में आप घूम सकते हो और खिड़कियों से आप अंदर झांक कर देख सकते हो। अपर फ्लोर बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस, काश इसमें अंदर जाने की एंट्री होती। खिड़कियों से झांक कर आप अंदर के ओरिजिनल फर्नीचर को आप देख सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइन, बुक्स कलेक्शन, ओल्ड टाइपराइटर। अपर फ्लोर पर एक तरफ हेलेना रॉरिक स्टूडियो भी है और देविका रानी का ऑफिस भी है। इंटीरियर घर का बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर। और गाइज, मनाली में आप जितने भी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करो, बट ये प्लेस आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर ज़रूर विजिट करें। बहुत ही सुंदर लोकेशन है और जब आप यहाँ पे पहुँचोगे और आप यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे तो आपको सच में लगेगा कि या एक वर्थफुल लोकेशन पे आप आए हो। तो चलिए, अब रॉरिक आर्ट गैलरी के बाद आपको ले चलते हैं इंटरनेशनल रॉरिक मेमोरियल ट्रस्ट के एग्जीबिशन हॉल में, जहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे चंबा रूमाल, द वर्ल्ड फेमस चंबा रूमाल एम्ब्रॉयडरी। एंड इमेजिन, इस रूमाल की कीमत कितनी है, 16,500 और इसकी 9,000 और इस वाले की 8,000। तो चंबा रूमाल आप सभी जानते हैं, इज़ अ वर्ल्ड फेमस एंड चंबा रूमाल को GI टैग मिला है। चंबा रूमाल को कुलवी शॉल, कांगड़ा पेंटिंग्स, किनौरी शॉल, इन सब की तरह जो है 2007 में इसे GI टैग दिया गया था। और गाइस, एम्ब्रॉयडरी फाइन मुस्लिन और सिल्क फैब्रिक के ऊपर की जाती है और वो भी सिल्क के धागों से। और चंबा रूमाल की जो मेन थीम रहती है वो रामायण, महाभारत, फ्लोरा फौना, ये सब रहता है। यहाँ पर कुछ और पेंटिंग्स भी हैं डिफरेंट डिफरेंट थीम्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा सुंदर, ये देखिए। और यहाँ पर आगे सामने वाली वॉल पर देखिए, हिमाचली देव कल्चर को भी दर्शाया गया है, ये देखिए, अति सुंदर, अमेजिंग पेंटिंग। सच में ही गाइस, एक अद्भुत कला है। ये देखिए कुछ ब्यूटीफुल स्टॉल्स जिनके ऊपर हाथ से कढ़ाई की गई है धागों से, देखिए बहुत सुंदर। ये देखिए एग्जीबिशन हॉल के बिल्कुल सामने सोवेनियर शॉप, यहाँ से आप पेंटिंग्स खरीद कर ले जा सकते हैं। तो अब आपको ले चलते हैं द चाय ट्रेल। इस प्लेस को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा गाइस, सीरियसली चाय ट्रेल को आप ज़रूर विजिट करें, बहुत अमेजिंग प्लेस है, अमेजिंग। और यहाँ से जो नगर कासल का व्यू दिखता है, नगर गाँव का, बहुत सुंदर। नहीं, मैं जॉब करता हूँ, सब दोस्तों का है। अच्छा, आसाम, महाराष्ट्र,
जगह से सारे सब लॉकडाउन में आए थे तो इधर ही अपना अपना अच्छा यही बना के फिर अच्छा ओके लिस्ट पे देखिए ना सब हाँ जी अच्छा ओके ओके और ये देखिए गाइज ये है माता त्रिपुरा सुंदरी का भव्य एवं सुंदर मंदिर जो बिल्कुल नगर कासल के साथ स्थित है और ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों में से एक है और काष्ठ कला का बेहद ही उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण डुंगरी मंदिर की तरह पैगोडा शैली में किया गया है। आप इस मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। एक और बात, लाहौल में भी केलोंग से 3 किलोमीटर दूर गुंगशल नामक स्थान पर रॉरिक आर्ट गैलरी है, बट अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस स्थान पर रॉरिक समर में विजिट किया करते थे और यहाँ भी उन्होंने लाहौल के जीवन, एग्रीकल्चर लाइफ और हिमालयस के ऊपर पेंटिंग बनाई है। रॉरिक आर्ट गैलरी देखी जो बहुत अच्छी थी, फिर उसको देखने के बाद हमने थोड़े से फोटो शूट किए और चाय क्या बोलते कैफे में, तो वो बहुत अच्छा था। और मैंने, लियाना और खाविश ने पियानो भी बजाया। फिर उसके बाद हमने वहाँ के मम्मा के हाथ के सिड्डू खाए जो मम्मा ने सुबह सुबह बनाए थे घूमते घूमते खाने के लिए, और फिर एप्पल्स एंड चाय। फिर उसके बाद हमने नगर कैसल का थोड़ा सा व्यू देखा बाहर से, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे तो फिर हम जा नहीं पाए। बाय, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को और नीलम गाइड्स व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।